अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको दिखाएंगे यूज़ करना एयरबॉक्स का एयरबॉक्स प्लेआउट सर्वर जो टीवी चैनल्स में यूज़ हो रहा होता है। ये देखें, ये एक प्लेआउट सर्वर होता है, सॉफ्टवेयर है एयरबॉक्स प्लेबॉक्स वालों का। अब ये इसका ये खुल गया। अब इसमें प्लेलिस्ट बना सकते हैं हम अपनी, इसमें कॉपी पेस्ट हो सकता है, विंडो ट्रिम हो सकता है, इनकी क्लिप को ट्रिम कर सकते हैं हम इसको, और इसमें अपना लोगो लगा सकते हैं, मीन्स जो चैनल का लोगो था वो भी लगा सकते हैं। इसको टाइटल बॉक्स जो ग्राफिक्स के लिए, उसको नेट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम मिरर पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दूसरे सिस्टम पे जो लिस्ट चल रही हो उसको हम यहाँ पर सेम टू सेम जो है ये देते हैं, जैसे मिरर मोड है, फुल मिरर मोड, ये मिरर करेंगे तो जो दूसरा मेरा ये सिस्टम चल रहा है सेम टू सेम ये प्लेलिस्ट पूरी की पूरी एज इट इज़ यहाँ कॉपी हो जाएगी और यहाँ प्ले आउट सेम टू सेम होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये देखें, इसका स्टार्ट के इस टाइम स्टार्ट होता है, ये कितने बजे क्लिप स्टार्ट होगा, ये इसका ड्यूरेशन है, ये इतना ड्यूरेशन होगा, और ये इसका फॉर्मेट क्या है, वो टाइप वो टाइटल और नोट्स और लोकेशन कहाँ रखा फाइल ये इसमें। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसमें इंसर्ट करता हूँ। अब ये देखें, ये मैंने रखा हुआ, ये कह रहा है कि इंसर्ट, जहाँ मैं प्रकर्सर होगा वहाँ पर ये आंसर करेगा। अगर मैं यहाँ करूँगा ऐड तो बिल्कुल एंड में जितने भी मेरे फाइल पड़ेंगे उसकी एंड में जाके वो ऐड करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट करूँगा तो पूछेगा कौन सी लोकेशन, मैं माय कंप्यूटर में जाके वो कहता हूँ जी कि ये फॉर एग्जाम्पल ये फिल्म्स पड़ी है, मेरे ये लूसी फिल्म है, एक ये फिल्म के कुछ सेगमेंट्स पड़े हैं, ठीक है, जैसे ये फिल्म है ये मैंने इंसर्ट कर दी, ओपन किए। अब इसमें क्या बताया है कि जी ये स्टार्ट टाइम है और ये इसकी ड्यूरेशन है 5 मिनट और 20 सेकंड 17 फ्रेम, और ये इम्पैक्ट 2 फॉर्मेट है, 48 किलोहर्ट्ज ऑडियो इसका पाल वीडियो है, क्लिप है, ये इसका कैप्शन है, वो टाइटल है इस नाम से। अब इसको मैं मुझे प्ले करना है तो ये टाइम है ना सिस्टम का शो हो रहा होता है, तो ये मैंने इसे जस्ट हाइड करने के लिए कि बटन मिस यूज़ ना हो, तो मैं जब प्ले करना है मैंने प्ले कर दिया इसको, ये प्रीव्यू पे आ गई मूवी देखी, और ये साथ साथ इसका ऑडियो का लेवल भी शो कर रहा है कि क्या ऑडियो आपका लेवल चल रहा है। इसमें ये इमिडिएटली हम जंप भी करा सकते हैं, क्या है ये जो इस टाइम क्लिप चल रहा है इसको हम हटा भी सकते हैं फ़ौरन, जैसे मैंने यहाँ जंप करा दिया डायरेक्ट दूसरे क्लिप पर चला गया, ठीक है। अब जैसे इंसर्ट करना है तो मैं ये इंसर्ट करूँगा तो मुझे ये सेगमेंट 7 और 4 के बीच में ही मुझे क्लिप मिलेगा, कोई भी मैं रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये इंसर्ट किया, अगर मैं ऐड करवाऊँगा ये बटन ऐड कराऊँगा तो ये बिल्कुल एंड में जाके 7 अप टू 7 में ये ऐड करेगा। मुझे डिलीट कराना है, ये डिलीट का बटन है, डिलीट दबाएँ, कुछ कुछ जाके डिलीट करूँ, अगर शिफ्ट डिलीट करूँगा मैं, शिफ्ट डिलीट यूज़ करूँगा तो वो डायरेक्ट उसको हटा देगा, ये पॉज ये, और ये रिटर्न है, रिटर्न जंप की, अगर आपसे गलती से जंप हो गया है और उसको सेम पोजीशन पे वापस ले जाना है तो अब मैं रिटर्न जंप करूँगा तो बिल्कुल वो किलो वहीं चला जाएगा जहाँ से मैंने पहला जंप यूज़ किया था, वो वहीं पर ही चला जाएगा यहाँ से हमने जंप लाया था करवाया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये देखें जैसे ये ब्लू स्क्रीन शो हो रही है ना, ये आप बता रहे हैं कि ये जो क्लिप है इतनी देर का रह गया, जैसे ये रिवर्स में टाइम जा रहा है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये प्लस में जाएगा जी, इतना चल चुका है, ये 38 सेकंड 40 41, डबल क्लिक करूँगा तो ये बताएगा एक्चुअली कितना क्लिप आपका रह गया है, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ग्रीन पे तो ये बताएगा करंट अपना प्लेइंग फाइल, यानी बिल्कुल जो करंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर फाइलें इस्तेमाल इंसर्ट की हुई है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी में हो सकता है कि जैसे यही क्लिप सेम, इसको मैं कॉपी करके और नीचे जाके पेस्ट करूँ कंट्रोल वी कीबोर्ड से। अब जैसे ये फॉर एग्जाम्पल मैं ये नीचे काम कर रहा हूँ, मुझे करंट
प्लेन फाइल नज़र नहीं आ रही, तो मुझे जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और करंट फाइल में चले जाऊँगे क्या चल रहा है। और इमिडियटली मुझे जंप करना है, तो ये डायरेक्ट मैं यहाँ पर ये जंप का बटन है, जंप कराऊँगा, ये जंप डायरेक्ट जंप हो जाएगा वहाँ पर, ये देखिए डायरेक्ट ये क्लिक। अब इसको मैं ट्रिम भी कर सकते हैं कि ये जो फॉर एग्जाम्पल 10वां सेगमेंट है, जस्ट लाइक टाइम चेक चल रहा होता है, टाइम चेक ये देखें जैसे ये 25 पे 20 यानी 8 25 पे क्लिप प्ले हो रहा है और 34 पे बैकअप हो रहा है, मगर हमें टाइम चेक चलाना। फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट जाता हूँ और ये टाइम चेक 30 वाला टाइम चेक, फॉर एग्जाम्पल ये एमरल का 30 वाला, ये 830 कॉलम में यूज़ करता हूँ। इसको कलर करना है कंट्रोल इंटर से इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके और ये जनरल में जाके, और ये कलर हम चेंज कर सकते हैं इसका कि ये कलर इस फाइल का होना चाहिए, ये कलर फाइल हो गया। अब ये देखें यहाँ पर ये 34 हो रहे हैं, ये 8:30 पे चलना है, टाइम चेक चलना है, तो हमने इस ये 8वें सेगमेंट के 2 पार्ट कॉपी पेस्ट करने हैं और इसकी कंट्रोल इंटर से प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जनरल में जाएंगे और इसके टाइम देखेंगे। यहाँ पर हो रहे हैं 8:25 पे ये क्लिप प्ले हो रहा है और 34 पे ख़त्म हो रहा है क्योंकि 9 मिनट का है, तो हम इनको देने के लिए सिर्फ 5 मिनट के आप चलें और नेक्स्ट करना है, फिर हम दूसरे क्लिप को बोलेंगे जी 5 से आप स्टार्ट हो जाएँ, तो ये इसके बीच में हम टाइम चेक कर लेंगे, तो ये पीस चलेगा फिर टाइम चेक चलेगा, फिर वहीं से ही सेम टू सेम वहीं जगह से ये क्लिप स्टार्ट हो जाएगी, ये टाइम चेक लग गया। ये था दोस्तों थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको एयर बॉक्स के बारे में, ये प्ले आउट सर्वर है, प्ले बॉक्स फॉलों का है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और इसमें कोडेक करने के बाद हम जब कोडेक करते हैं तो इसमें तकरीबन सारे ही फॉर्मेट वो यू प्ले करता है, अदरवाइज़ ये डिज़ाइन स्पेशली इम्पैक्ट 2 के लिए, MPG 2 पाल के लिए, मगर इसमें हम कोडेक करते हैं तो हम सब फॉर्मेट इसमें चला सकते हैं। अब ये है कि इसमें मिरर मोड है, बहुत अच्छा है, तो मिरर करेंगे फुल मिरर करेंगे तो मेरा दूसरा सिस्टम जो फॉर एग्जाम्पल ये चल रहा है, अब सेम टू सेम ये मुझे यहाँ चलाना है, तो जस्ट मैं मिरर करूँगा, ये देखेंगे कंट्रोल एम किया हुआ है मैंने, ये देखें मिरर हो रहा है, ये देखें दोस्त ये मैं कंट्रोल मेरा इस वापस ले सकता हूँ, देखिए दोनों मेरा चल रहा है सेम टू सेम, जैसे देखें ये दोनों सेम टू सेम, मुझे इसमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, अभी मैंने यहाँ पे काम किया होता ये बिल्कुल सेम टू सेम एक्यूरेटली यहाँ पर काम आ गया पूरा का पूरा, दोनों बैकअप मैन और बैकअप चल रहे हैं।